स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के इस अंक में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। मेरे साथ हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में आपके सामने आतंकित प्रश्नों को हम लेकर आए हैं जो लोकहित और जनहित से जुड़े हैं। इनका जवाब संबंधित मंत्रालय के मंत्री या कहें सरकार की तरफ से जब प्रश्नकाल के दौरान यहाँ लिखित रूप में सदन में दिया गया है, इसलिए ऐसे प्रश्नों की जानकारी हम आप तक लेकर आते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि विभागवार और मंत्रालयवार अब जो प्रश्न हैं उनकी जानकारी आप तक पहुँचाएँ। और आज हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़े यानी एमएसएमई से जुड़े प्रश्नों को आप तक लेकर आए हैं। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं अरविंद जी, यह है कृषि उत्पादों के लिए लघु और मध्यम उद्योग, और ये प्रश्न है हरनाथ सिंह यादव जी का, इसका उत्तर क्या है? जी बिल्कुल प्रीति, ये बड़ा भारी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि गांधी जी की 150वीं जयंती चल रही है, मनाई जा रही पूरे देश भर में, दुनिया भर में मनाई जा रही है। और गांधी जी जो है लघु और सूक्ष्म उद्योगों और ग्रामोद्योगों के बहुत बड़े उत्प्रेरक थे और उन्होंने पूरा एक दिशा निर्देश तय किया था, उन्होंने कुछ ऐसे रास्ते तय किए थे। उनका ये मानना था ग्रामोद्योग ही हैं जो ग्रामीण जीवन की जीवन रेखा बन सकते हैं। वो तो इसका जो जवाब दिया है नितिन गडकरी जी ने दिया है, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। तो उन्होंने जो हरनाथ जी का जो सवाल था मुख्य रूप से ये था कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद के लिए लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो बिल्कुल योजना है सरकार के पास, और जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है जिसको हम KBIC बोलते हैं, वो जो MSME है उसके तहत एक सांविधिक निकाय है, स्टेचुरी बॉडी है वो, जो कि देश में दालों और अनाजों की प्रोसेसिंग, फल और सब्जियाँ, तेल उद्योग, ब्रेड बेकिंग, ये सब जो ऐसे जगह हैं जो ऐसे जो उत्पाद हैं जो कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के द्वारा जो है ये जो पोस्ट हार्वेस्ट जो जिसको कहिए जो कृषि और खाद्य पदार्थों को स्थापित करने को बढ़ावा देते हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट जो है लॉसेस कैसे कम हो उसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और ये भी कहा कि जो KBIC है उसके माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है वो कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सब्सिडी भी दी गई है। और इसमें जो खास तौर पर खास श्रेणियां हैं जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, माइनॉरिटी है, महिलाएं हैं, पूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं, पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, उनको खास मार्जिन वगैरह दी जाती है। तो ये सारा प्रयास है। इसके अलावा ये जो योजना है इसमें कुछ कार्यकलाप ऐसे हैं जिनका विवरण दिया गया है, जैसे कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वन आधारित उद्योग, उसके अलावा खनिज आधारित उद्योग, पॉलीमर और रसायन आधारित उद्योग, ग्रामीण इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा हाथ से बने कागज और फाइबर उद्योग, और इसमें सेवा और वस्त्र भी शामिल है। तो एक विवरण ये दिया कि 2019-20 के लिए ये जो प्रधानमंत्री स्कीम के तहत जो है 73,271 नई इकाइयों को स्थापित करने के लिए 2,147 करोड़ से अधिक की मार्जिन मनी जो है वो सब्सिडी चिन्हित की गई है। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह के प्रयास तो हो ही रहे हैं प्रीति। और इसके अलावा कि कुछ और MSME के जो कुछ और सांविधिक निकाय हैं जो स्टेचुरी बॉडीज़ हैं वो भी देश में जो कैर इंडस्ट्री है उसके विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मैट है, मैटिंग है, कालीन है, रबड़ युक्त कैर है, उत्पाद हैं, उद्यान सामग्री हैं, कैर वुड है, ये सब भी बना रहे हैं। और पूरी एक सूची भी दी गई इसमें स्टेट वाइज मार्जिन मनी कितना बांटा गया है, जैसा कि हमने पहले बताया है इसमें प्रीति। तो ये पूरा राज्यवार विवरण दिया गया है सारे 34 राज्य और संघ इलाकों में। तो ये जो है 4 वर्षों का पूरा दिया गया है विवरण कि कितनी मार्जिन मनी किस तरह से दी गई है। अब एक जो विजयपाल सिंह तोमर जी का जो सवाल है प्रीति वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो इन्होंने पूछा है कि MSME के विकास के लिए सरकार आखिर वित्तीय सहायता क्या दे रही है। विजयपाल सिंह तोमर ने पूछा है कि देश में अनेक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME इकाइयों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, इनका ब्यौरा क्या है, और जो 3 वर्ष हैं पिछले उस दौरान और वर्तमान वर्ष में ऐसी इकाइयों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है जो बंद हो गई या रुग्ण हो गई, जिन्हें हम सिक कहते हैं वो हो गई हैं, और बैंकों द्वारा MSME क्षेत्र को दिए गए ऋण की वर्तमान बकाया धनराशि कितनी है, और पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऋण गारंटी योजना,
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी, ब्याज छूट की योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमों को ऋण और स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रमों के तहत सहायता प्रदान करने जैसे कई सारे ऐसे कदम हैं जो उठाए हैं। यहाँ और जानकारी आगे उन्होंने दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक से जो जानकारी मिली है 31 मार्च 2016 तक की ये जानकारी बताई है उन्होंने, जो रुग्ण एमएसएमई यानी जिनको सिक एमएसएमई कहा जाएगा उनके खातों की संख्या 4,86,291 थी और 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार जो सिक एमएसएमई हैं उन खातों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या यहाँ आगे दी भी गई है। जबकि 31 मार्च 2017 की अगर बात करें तो जो दबावग्रस्त खाते हैं जिन्हें स्ट्रेस्ड अकाउंट कहा जाता है और ये जो हैं वो सुधारात्मक कार्य योजना समिति को भेजे गए जो स्ट्रेस्ड अकाउंट हैं उनकी संख्या आपको बता दें 31 मार्च 2017 तक की यहाँ पर है 1,803 और 30 सितंबर 2017 की जानकारी यहाँ दी गई है 87,062। 31 मार्च 2018 तक की जो जानकारी है आई है उसमें है 1,30,208 और 30 सितंबर 2018 को समाप्त जो छमाही है उसमें हो गया है 1,50,165 स्ट्रेस्ड अकाउंट की संख्या। और यहाँ पिछले 3 वर्षों में एमएसएमई के बकाया कुल बैंक ऋणों का ब्यौरा भी उन्होंने दिया है और यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो मार्च 2017 से लेकर मार्च 2019 के अनंतिम जो आंकड़े हैं वो यहाँ बताया गया है, खातों की संख्या कितनी है और साथ ही बकाया राशि जो करोड़ रुपए में है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ ये अब जो बकाया राशि है या जो कहें स्ट्रेस्ड अकाउंट हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, उनके लिए बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियां हैं उनके समाधान के लिए विवेकपूर्ण रूपरेखा तैयार की है जिसके तहत जो बैंकों को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए समय सीमा सहित जो बोर्ड की अनुमोदित नीतियां हैं उन्हें तैयार करना है। तो ये यहाँ पर उत्तर दिया गया है और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का जो प्रश्न है वो हमारा है एमएसएमई को मजबूत बनाना। भुवनेश्वर कलिता जी ने ये सवाल किया है तो बताइए अरविंद जी इसका जवाब क्या है। मजबूत बनाने के जो उपाय हैं प्रीति वो एमएसएमई मंत्री जो कि नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने बताए हैं इसमें कि अच्छा कलिता जी का जहाँ तक सवाल है प्रीति आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो इस समय अगर हम सवाल का जवाब जो हम ले रहे हैं उस समय वो सांसद नहीं है राज्यसभा के, लेकिन चूंकि सवाल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने 249वें सत्र के दौरान इस सवाल को पूछा था इसका लिखित जवाब आया हुआ इसलिए। तो उन्होंने पूछा कि कई योजनाएँ जो है ये एमएसएमई मंत्रालय क्रियान्वित करता है, इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है जिसका हमने जिक्र किया था अभी पिछले सवाल में, उसके अलावा जो है उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम है, खरीद और विपणन सहायता योजना है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी है, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हम लोग बता रहे हैं। और 2018-19 में सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय को 6,552 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है और इसमें पूरा विवरण दिया गया है कि स्वरोजगार के लिए जो खास तौर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है उसमें युवाओं के लिए जो गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म रोजगार उद्यमों की स्थापना करना है इसका लक्ष्य है, तो 2017-18 में इस क्षेत्र में वास्तविक जो व्यय हुआ है वो हुआ है 1,072,90,00,000 रुपया, जिसको आप कह सकते हैं कि करीब 1,073 करोड़ रुपये के आसपास व्यय हुआ है, जो कि 2018-19 में बढ़ करके 2,118 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये भी इन्होंने आंकड़ा दिया कि 2018-19 के दौरान जो प्रधानमंत्री योजना है उसके तहत 73,427 परियोजनाओं को सहायता दी गई है, क्लस्टर विकास कार्यक्रम में 17 सामान्य सुविधा केंद्रों और 11 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित परियोजनाएँ पूरी की गई हैं, इसके अलावा क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी के तहत 14,155 इकाइयों को 980 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी गई है। और इस तरह से पूरा एक व्यवस्थित आंकड़ा जो दिया है सार्वजनिक खरीद नीति के तहत 1,26,902 सूक्ष्म और लघु उद्यम लाभान्वित हुए हैं। तो इस तरह सरकार की ओर से लगातार ये प्रयास जारी है कि एमएसएमई को कैसे मजबूत किया जाए, सरकार खुद जो सामान खरीदें एमएसएमई से कैसे खरीदें। तो अब जो एक अगला सवाल है प्रीति वो टीजी वेंकटेश जी का सवाल है, वो भी इसी से लगभग मिलता जुलता है
और MSME के लिए क्या कुछ नई पहल हुई है ये जानने की कोशिश की है वेंकटेश जी ने, क्या जवाब है इसमें प्रीति जी? उन्होंने पूछा है कि क्या ये सच है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किए गए उपायों से देश में MSME जो कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार है उसके विकास के संबंध में सकारात्मक परिणाम मिले हैं और इसका ब्यौरा क्या है और उपलब्धि भी उन्होंने पूछी है। इसका जवाब नितिन गडकरी जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP निर्यात और रोजगार सृजन के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है MSME। और जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सूचना है उसके अनुसार 2016-17 के दौरान कुल सकल मूल्य वृद्धि जिसे GVA कहा जाता है उसमें MSME की सकल मूल्य वृद्धि की हिस्सेदारी 31.8% थी। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार 2018-19 के दौरान भारत के कुल निर्यात में MSME से संबंधित उत्पादों का हिस्सा 48.10% है। 2015-16 की अवधि के दौरान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 73वें दौर के अनुसार देश में जो अनिगमित गैर कृषि MSME के कामगारों की संख्या है अनुमानित वो 11.10 करोड़ है यानी 11 करोड़ 10 लाख है। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2014-15 में से लेकर 2018-19 के दौरान सूक्ष्म उद्यमों में सृजित जो अनुमानित रोजगार है यानी व्यक्तियों की संख्या है वो भी बताई गई है, जो 2014-15 में थी 3.58 लाख वो 2018-19 में बढ़कर हो गई है 5.87 लाख। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न के जवाब के साथ ही अब जो प्रश्नकाल का समय है वो यहीं पूरा हो रहा है इसलिए इसको हम यहीं समेट रहे हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।